मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं, जिसमें दोनों ही मुख्य दलों ने बीजेपी और कांग्रेस ने जीत का परचम लहराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। वहीं चुनाव प्रचार में धन बल का भी बड़ा उपयोग किया गया। अब उपचुनाव की वोटिंग के बाद कांग्रेसी और बीजेपी अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। जब हमने नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार से बात की तो उनका कहना था कि हम 28 सीटों पर उपचुनाव जीत रहे हैं, कांग्रेस तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। कांग्रेस ने हमेशा जनता को छला एवं लूटा है। शिवराज सरकार की सभी योजनाओं को कमलनाथ सरकार ने बंद कर दिया था और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। कांग्रेस जाती हुई नजर आ रही है तो भाजपा आती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश सचिव उमराव सिंह का कहना था कि पहले जनता ने वोटों से कमलनाथ सरकार बनाई थी, लेकिन शिवराज सरकार ने नोटों के बल पर अपनी सरकार बनाई। इस उपचुनाव में 28 विधानसभा सीट पर कांग्रेस जीत रही है और अपनी जीत का परचम लहराएगी। जनता जानती है नोटों वाली नहीं बल्कि विकास वाली सरकार चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी चाहे अपनी अपनी जीत के लाख दावे कर ले, लेकिन यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता अपने वोटों से उपचुनाव में किसके सर पर ताज पहनाएगी। ये तो हमेशा से झूठ बोलते आए हैं, जोर से बोलना, झूठ बोलना, ये इनका काम है। इनने जितने वादे किए थे वो कभी पूरे नहीं किए। और अभी जो है भारतीय जनता पार्टी 28 में से 28 सीटें जीतने का जो दावा कर रही है, वो जनता अभी सबक सिखा देगी, क्योंकि जनता ने ये देखा है कि पहले वोटों से सरकार बनी थी, अब इनने नोटों से सरकार बनाई है। इसलिए जनता में आक्रोश है और कांग्रेस की सरकार ने भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है, किसानों के हित में काम किए, आम लोगों के हित में काम किए, शुद्ध के खिलाफ युद्ध की लड़ाई लड़ी है, इससे प्रदेश में लोग स्वस्थ हुए हैं। निश्चित रूप से प्रदेश की जनता ये चाहती है कि सरकार जो है गलत काम कर रही है और इनकी 28 में से 28 सीटें कभी भी नहीं जीत सकते, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। निश्चित रूप से जनता ने जो निर्णय दिया है वो 10 तारीख को सामने आ जाएगा। सरकार जो भी बने, लेकिन उसका निर्णय सबको स्वीकार करना पड़ेगा। निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में है जनता और अभी इस उपचुनाव में धन बल, बाहुबल, सरकार, प्रशासनिक अधिकारियों का सबके सहयोग से, सबके दबाव से चुनाव हुआ है, लेकिन फिर भी जनता अपना निर्णय अच्छा देगी। निश्चित रूप से हमें पूरी संभावना है कि जनता का निर्णय हम स्वीकार करेंगे। लाल के सपने हैं कांग्रेस के, वो हर अधिकार व्यक्ति को अधिकार है कि वो देख सकता है। कांग्रेस को ये सपना है कि 28 की 28 हम जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, तो वो सपना उनके पास रखे। मगर हम जनता के बीच में गए हैं, जो जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए तैयार है। और निश्चित ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस चुनाव में स्थायी मुख्यमंत्री बनेंगे। 10 तारीख को निर्णय होगा और जो कांग्रेस कह रही है नई नई तेरे कितने बाल, वो अभी 10 तारीख को सामने आ जाएंगे। तो मैं तो सुवासरा भी घुमाऊँ और हाट पिपलिया भी घुमाऊँ, मैं दो चुनावों की तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं स्वयं वहाँ जाकर लोगों से मैंने प्रचार किया है, लोगों के चेहरे मेरे और उनके लोगों की आंखें मैंने पढ़ी है। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है और मध्य प्रदेश में 28 में से भी अधिकांश जगह कमल खिलेगा और मुख्यमंत्री स्थायी रूप से बनेंगे, जनता की सेवा करेंगे। कांग्रेस ने हमने देख लिया 15 महीने में जो उनने काम किए, वो काम आप और हम लोगों से छिपे हुए नहीं। केवल उन्होंने गरीबों को परेशान करने का काम किया, रेत माफिया बने, ट्रांसपोर्ट उद्योग चलाया, तो अब वो इन सब कामों को भी देख के अगर जनता 28 से 28 सीटें जिता दे तो मैं समझूंगा उनका भाग्य बहुत ही तेज है। मगर उनका भाग्य तेज नहीं है, जहाँ जी चुनाव हो रहे हैं वहाँ से कांग्रेस जाती हुई नज़र आ रही है और भारतीय जनता पार्टी आती हुई नज़र आ रही है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 10 तारीख के दिन स्थायी मुख्यमंत्री बनेंगे और मध्य प्रदेश की जितनी लोक कल्याणकारी योजनाएँ कमलनाथ जी ने बंद की थी वो सारी योजनाएँ हम चालू करेंगे और मध्य प्रदेश की जनता को जो 1.5 साल तक लूटा था, परेशान किया था, उनकी दुआओं की वजह से ये सरकार आई है, इसलिए स्थायी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।